वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र से पहले सभी विभागों से सप्लीमेंट्री बजट मांगा गया है। विभागों की जानकारी के अनुसार यह तय होगा कि किस विभाग के पास कितना पैसा है और किस विभाग को कितने पैसे की आवश्यकता है। विधानसभा सत्र से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों से अब सप्लीमेंट्री बजट मांगा है, ताकि सरकार को यह पता लग सके कि विभागों के पास कितना पैसा है या उन्हें कितनी की आवश्यकता है। जगदीश देवड़ा ने मंत्रियों और विभागों के वाहन संबंधी मुद्दों पर कहा कि जो वाहन चलने लायक नहीं है, समय सीमा से बाहर हो चुके हैं या कंडम हो चुके हैं, उन वाहनों को रिप्लेस किया जाएगा, लेकिन अनावश्यक खर्चे नहीं किए जाएंगे। उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर कहा कि तीसरी लहर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। नहीं, कोई एक विषय पर नहीं है, लेकिन हमेशा ये निरंतर प्रक्रिया है कि जब मेन बजट भी होता है तब भी विभागों से इस प्रकार समय से पहले उनसे मांगा जाता है कि भाई आपका संभावित खर्चा क्या है, किन किन योजनाओं पर क्या खर्चा होने वाला है, तो एक लक्ष्य तय किया जाता है। ऐसा ही सप्लीमेंट्री बजट में भी विभागों से पूछा जाता है कि भाई आपके पास में कोई पिछला कोई रखा है, बजट में कुछ रहा है या नहीं रहा है, तो ये एक रूटीन प्रक्रिया है। तो सप्लीमेंट्री बजट जो आ रहा है उसके लिए भी विभागों से जानकारी मांगी है। वाहन खरीदी का भी कुछ मामला है। अब उसमें और भी वाहन के अलावा भी कई बातें रहती है ऐसी जो विभागों को आवश्यकता होती है। अब उस पर अभी प्रस्ताव जब विभाग का आएगा तो उस पर विचार करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।